नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद बिष्ट। सभी को जैसे कि पता है कि हम लोग अभी जो प्राइमरी सोर्सेस है वो बंदर सिंह में, तो शुरू से लेकर के आखिर तक जितने भी प्राइमरी सोर्सेस सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो प्राइमरी सोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंशियंट इंडिया में जो पाम्बलिप मैनुस्क्रिप्ट्स थे वो कैसे बनते थे और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता था, कैसे उनमें लिखाई की जाती थी, क्या क्या प्रोसीजर थे, ये सब हम लोगों ने जाना था। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो महाभारत जो एपिक है, महाभारत के टाइम में जो जो जगह के नाम हमें महाभारत से पता चलता है, वहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए तो वहाँ से किस तरह के एविडेंस हमें मिले, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जो प्राइमरी सोर्स है आर्कियोलॉजी एंड द महाभारत, ये पेज नंबर 20 में है उपेंद्र सिंह का। उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हिस्ट्री विद विष्णु उसको ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और क्या क्या फीचर्स है, आप लोग जॉइन बटन पे क्लिक कीजिए, आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फर्स्ट से ज्वाइन भी कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो महाभारत में हमें जिन जिन जगह के नाम पता चलते हैं, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा एंड बैराट, यहाँ पे हेराट लिखा है, मिस्टेक हो गया है, तो एच की जगह बी होगा। तो इन सारी जगह का नाम हमें महाभारत से पता चलता है। और यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन चलाया गया था तो उस वहाँ से हमें जो एविडेंस मिले थे, ये पॉटरी के एविडेंस मिले थे। जो पॉटरी मिले थे वो थे PGW अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर, ये मिले थे। इनका जो समय है ये है 1000 BC, मतलब इस समय में ये एक हैबिटेशनल साइट था। और यहाँ पे जो पेस्टोरल कम एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल था, जो लोग यहाँ पे रहते थे ये एग्रीकल्चर से भी जुड़े थे और पेस्टोरल लाइफस्टाइल यहाँ पे ये बिलोंग करते थे। नंबर टू जो है कि हस्तिनापुर से जो भी एविडेंस हमें मिलते हैं, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मत्स्य पुराण और वायु पुराण में भी ये कहा गया है कि निचक्षु जो राजा थे, जब निचक्षु राजा थे उनके समय में, ये निचक्षु कौन थे, निचक्षु थे परीक्षित के बाद फिफ्थ किंग और ये थे अर्जुन के ग्रैंडसन, और जो के महाभारत वॉर के बाद जो राजा बने थे। तो निचक्षु के टाइम में क्या हुआ था कि एक फ्लड हुआ था, गंगा नदी में एक बाढ़ आई थी और इनका जो कैपिटल था हस्तिनापुर, यहाँ से कैपिटल हस्तिनापुर से शिफ्ट हो गया कौशाम्बी में, गंगा नदी में बाढ़ आने के दौरान। तो ये तब राजा थे निचक्षु। थर्ड जो चीज़ हमें पता चलती है कि देयर इज़ अ लोकल ट्रेडिशन दैट द कैपिटल ऑफ द पांडवस इंद्रप्रस्थ वंस स्टूड एट पुराने किला इन दिल्ली। तो एक लोकल ट्रेडिशन यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से फैला हुआ है कि जो पांडवों का जो राजधानी था इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली के न्यू दिल्ली के लाल किला में था। फोर्थ, नंबर फोर जो है तारीख़ी फिरोजशाही, जो 14th century का एक टेक्स्ट है जिसको लिखा है शामसी सिराज अफीफ ने। तो अफीफ कहते हैं अपने इस तारीख़ी फिरोजशाही में कि जो इंद्रप्रस्थ था ये हेडक्वार्टर्स था परगना का, एक परगना एक डिस्ट्रिक्ट का ये हेडक्वार्टर था इंद्रप्रस्थ, ये आफीफ का कहना है। उसके बाद जो 14th century में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ये नारायणा विलेज से मिलता है जो वेस्ट दिल्ली में है, यहाँ पे भी इंद्रप्रस्थ के बारे में मेंशन किया हुआ है। और नंबर सिक्स जो है कि 16th century में जो आयनी अकबरी है अबुल फजल का, यहाँ पे अबुल फजल लिखते हैं अपनी आयनी अकबरी में कि हुमायूं का फोर्ट जहाँ पे बन रहा था या जहाँ पे बना है हुमायूं का किला, ये जगह वही जगह है जहाँ पे पांडवों के राजधानी इंद्रप्रस्थ बहुत सालों पहले रहा करता था, ये जगह वही जगह जहाँ पे हुमायूं का फोर्ट बना है, ये अबुल फजल का कहना है, आयने अकबरी में इन्होंने कहा है। और ये एक फैक्ट है कि 19th century के एंड तक इस किले के अंदर में, ये फोर्ट वॉल के इनसाइड में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम भी इंद्रप्रस्थ था। तो जो किला था, किला के अंदर इंद्रप्रस्थ नाम का एक गांव भी था। अभी आठ नंबर हम लोग देख रहे थे कि एक्सकवेशन कैरिड आउट एट पुराना किला बिटवीन 1954 to 1971 रिफील्ड आर्कियोलॉजिकल रिवील्ड। तो उसके बाद 1954 and 1971 इस दौरान पुराना किला जो है इस जगह में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए। और यहाँ पे यहाँ से एक्सकवेशन के बाद हमें जो जानने को मिलता है कि यहाँ पे जो हैबिटेशनल साइट था, ये लेवल हमें मिलता है कि 4th century से 19th century तक यहाँ पे जो इंसान रहते थे 4th century से। द डिस्कवरी ऑफ ए
few stray pieces of PGW indicated the possibility that the older settlement was located somewhere nearby. तो यहाँ पे जो PGW पॉटरी के कुछ कुछ ही मतलब स्ट्रे पीसेस मिले हैं, कुछ पीसेस मिले हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ पे या इस एरिया के बहुत ही पास कोई सेटलमेंट था. देयर इज नो वे ऑफ नोइंग फॉर श्योर वेदर दिस सेटलमेंट हैड एन कनेक्शन विद द महाभारत लेजेंड. अभी ये जानने का कोई रास्ता नहीं है, एकदम हम लोग श्योर नहीं हो सकते हैं कि इस सेटलमेंट के साथ महाभारत का कोई रिलेशन था या नहीं. इसके रिगार्डिंग हम लोग श्योर नहीं हो सकते. आर्क्योलॉजी कैन नॉट रियली प्रूव और डिसप्रूव द हिस्टोरिसिटी ऑफ एपिक इवेंट्स और कैरेक्टर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्क्योलॉजी जो एपिक जो इवेंट्स है या जो कैरेक्टर्स हैं इनकी सत्यता या सत्यता को परख नहीं कर सकता है, इसको प्रूव भी नहीं कर सकता है और इसको डिसप्रूव भी नहीं कर सकता है. आर्क्योलॉजी जो एपिक इवेंट्स है या कैरेक्टर्स है ये अपने आप में मायने रखते हैं, आर्क्योलॉजी कहीं भी इसको प्रूफ या डिसप्रूव नहीं कर सकता है. तो जो आर्कियोलॉजी एंड महाभारत है यहाँ से इतना ही हमें याद रखना है. चलिए आइए देख लेते हैं जो रामायण का जो जो प्राइमरी सोर्स दिया गया है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं. ये प्राइमरी सोर्स 3 है, पेज नंबर 21 में है. द क्रोनोलॉजिकल लेयर्स इन द रामायण. रामायण में जो क्रोनोलॉजिकल लेयर्स मिलते हैं ये जो एनालिसिस है ये J.L. ब्रोकिंगटन ने किया है, ब्रोकिंगटन. तो इनके इन्होंने 5 जो क्रोनोलॉजिकल लेयर्स दिए हैं उनके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं. तो चलिए ये शुरू करते हैं. नंबर 1 जो इन्होंने कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ केयरफुल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज स्टाइल एंड कंटेंट. जो भाषा या स्टाइल या जो इसके जो कंटेंट है इसके ऊपर बेस करके जो J.L. ब्रोकिंगटन है इन्होंने 5 डिस्टिंक्ट क्रोनोलॉजिकल या कल्चरल स्टेजेस के बारे में कहा है रामायण के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. तो कैसे ये रचना आगे बढ़ती है कि यार डेवलपमेंट देखा जाता है, तो इसी को हम लोग देखेंगे अभी. स्टेज वन का यहाँ पे समय दिया गया है. तो स्टेज वन में J.L. ब्रुकलिंग ने कहा है जब स्टेज वन जो था द एपिक स्टार्टेड टेकिंग शेप एज एन ओरल कंपोजिशन. तो अभी ये रिटन में नहीं आया था, ये ओरल कंपोजिशन था. और इसका जो टाइम पीरियड था स्टेज वन का 5th से 4th centuries BC, ये था स्टेज वन का समय. और जो रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस क्लोजर टू दोस वेदस दैन दी पुरानस. तो इस समय स्टेज वन में जो रामायण में जो रिलीजियस आइडियाज या प्रैक्टिसेस उभर के आ रहे थे तो इनका जो क्लोज कनेक्शन था ये वेदस के साथ क्लोज कनेक्शन था, ना कि पुराण से. तो वेद के साथ रिलीजियस आइडियाज का एक क्लोज कनेक्शन था स्टेज वन में. स्टेज टू में जो समय दिया गया है, स्टेज टू का समय है 3rd century BCE से 1st century CE. क्रिश्चियन एरा में आ जाते हैं स्टेज टू में. देयर वॉज शिफ्ट फ्रॉम द हीरोइक टू द एस्थेटिक एलिमेंट. द जियोग्राफिकल अवेयरनेस एक्सपैंडेड ईस्टवर्ड इनटू द लोअर गंगा वैली. तो अभी स्टेज टू में ये देखने को मिलता है कि एक शिफ्ट देखने को मिलता है. पहले जो था स्टेज वन में एक हीरोइक इवेंट था रामायण, लेकिन अभी ये हीरोइज्म से एस्थेटिक एलिमेंट यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं. और जो जियोग्राफिकल अवेयरनेस था पहले स्टेज में ये बहुत ही सिमटा हुआ था, एक छोटे से एरिया में ये सीमाबद्ध था, लेकिन धीरे धीरे इसका फैलाव होता है और जो ईस्टवर्ड इसका एक्सपेंशन होता है लोअर गंगा वैली तक ये पहुँच जाता है इसका जियोग्राफिकल अवेयरनेस. रेफरेंसेस टू सोशल इकोनॉमिक लाइफ सच एज इम्पैसिस ऑन चैस्टिटी ऑफ वुमेन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटीज एंड ट्रेड कैरावन्स सजेस्ट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्लास स्ट्रेटिफिकेशन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन. तो यहाँ पे धीरे धीरे सोशल एंड इकोनॉमिक जो रेफरेंसेस हमें इस एपिक में रामायण में देखने को मिलता है स्टेज टू में, और नारी की पवित्रता के ऊपर जोर दिया जाता है, या जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है शहरी विकास का, या जो ट्रेडिंग कैरावन्स के जो ट्रेडर्स थे ये सामान लेके एक जगह से और दूसरी जगह जा रहे हैं. तो इससे ये पता चलता है कि समाज में जो था जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था ये बहुत ही उभर के सामने आ रहा था और वुमेन को सबऑर्डिनेट किया जा रहा था जो मेल मेंबर थे उनके द्वारा. और इस स्टेज टू में जो है राजा का जो इमेज है थोड़ा सा उभर के आता है और जो युद्ध जो है वो और भी एलाबोरेट हो जाता है, वॉरफेयर बिकेम मोर एलाबोरेट. स्टेज थ्री इसका जो समय है ये 1st से 3rd century BC, सॉरी यहाँ पे
गलती से लिख दिया है, ये बीसी नहीं होगा, ये सीई होगा, फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी सीई क्रिश्चियन एरा। तो इसको मेंशन कीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा कि ये सीई होगा। थर्ड स्टेज में जो होता है कि अर्बनाइजेशन और भी स्प्रेड होता है, न्यू एरियाज में अर्बनाइजेशन का स्प्रेडिंग होता है। और जो हमने पहले ही देखा जो स्टेज टू में कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उभर के आ रहे थे समाज में भेदभाव, तो ये जो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी फोर वर्नेस वॉज एम्फसाइज। स्टेज थ्री में जो वर्ण जो सिस्टम था, चार वर्ण में जो समाज बटा हुआ था, इस पर इसके ऊपर जोर दिया जाता है स्टेज थ्री में। द किंग वॉज एक्सॉल्टेड एज ए प्रोटेक्टर ऑफ हिज पीपल एंड द सोशल ऑर्डर। और किंग यहाँ पे उभर के आते हैं, किंग को सोसाइटी का प्रोटेक्टर और सोशल ऑर्डर का भी प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया जाता है किंग को। और जो वुमेन के ऊपर जो सबॉर्डिनेशन था ये बहुत ही दिन दिन बढ़ रहा था स्टेज थ्री में, स्टेज टू से भी ज़्यादा। और वैदिक गॉड सच एज ब्रह्मा एंड इंद्र वेर स्टिल इम्पॉर्टेंट। जो वैदिक जो गॉड थे ब्रह्मा एंड इंद्र, ये अभी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन जो भगवान विष्णु या शिव है ये धीरे धीरे उभर के आ रहे थे। और जो बुक 1 to 7 है ये इसी समय में इस एपिक के साथ जोड़ा गया था स्टेज थ्री में। अभी हम लोग देखते हैं स्टेज फोर। स्टेज फोर का जो समय दिया गया है तो ये है 4th से 12th सेंचुरीज, ये एडी है क्रिश्चियन एरा। और जो रिलीजियस एंड एस्थेटिक इम्फेसिस इंक्रीज, जो रिलीजियस एंड एस्थेटिक जो एलिमेंट थे इनके ऊपर और ज़्यादा जोर पड़ रहा था। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटीज अंडरलाइन द प्री एमिनेंस ऑफ ब्राह्मणस, ब्राह्मणस के जो प्री एमिनेंस था इसको बहुत ही मतलब महत्व दिया जा रहा था। और जो लोअर पोजिशन है शूद्र और आउटकास्ट का, इसके ऊपर बहुत ही इम्फेसिस यहाँ पर दिया जा रहा था, मतलब समाज पूरी तरह से बढ़ चुका था, स्ट्रेटिफिकेशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो थे और उभर के सामने आ रहे थे। रेफरेंसेस टू दी इनऑस्पिशियसनेस ऑफ विडोज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन। स्टेज फोर में देखने को मिलता है कि जो विधवा थी इन्हें अमंगलकारी अशुभ कह के इनका उल्लेख होने लगा, और जो सती प्रथा इसका रेफरेंस देखने को मिलता है स्टेज फोर में। और इससे पता चलता है कि वुमेन जो था, वुमेन के ऊपर सबॉर्डिनेशन जो था ये अभी इस समय में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और अभी लास्ट जो स्टेज फाइव है और हाँ ये हम लोगों ने देख लिया। और स्टेज फोर में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो विष्णु एंड जो शिव है ये सुप्रीम गॉड के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। स्टेज फोर में विष्णु एंड शिवा ये सुप्रीम गॉड बनते हैं। स्टेज थ्री में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा एंड जो इंद्र थे ये तभी भी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन विष्णु और शिव पहले पहले थर्ड स्टेज में ही सीन में आ रहे हैं, लेकिन स्टेज फोर में ये लोग सुप्रीम गॉड के तरह इनको माना जाने लगा। और स्टेज जो फाइव है ये 12th सेंचुरी से शुरू होता है ये दौर, स्टेज फाइव का दौर। जो फोर्थ स्टेज में हम लोगों ने जिन ट्रेंड्स को देखा है उन्हीं ट्रेंड का यहाँ पे एक वही सब ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रेंथेन होते हैं स्टेज फाइव में। जो ब्रुकिंगटन है इन्होंने और भी कुछ आइडेंटिफाई किया है कि जो चेंजेस हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, इनका स्टेज के साथ साथ हर स्टेज के साथ साथ जो कैरेक्टर्स हैं इनमें भी चेंजेस आते रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि स्टेज वन में जो रामा थे, रामा वॉज एसेंशियली कंसिडर्ड एंड एग्जाम्पलरी ह्यूमन एंड दैट इट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेज टू ही स्टार्टेड बींग कंसीव्ड एज अ डिवाइन। तो स्टेज वन में राम एक इंसान थे, आम इंसान थे जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन इंसान थे। लेकिन स्टेज टू के आखिर तक हमें देखने को मिलता है कि राम भगवान बन जाते हैं। और स्टेज थ्री, इन स्टेज थ्री रामस विक्ट्री ओवर रावण केम टू बी प्रेजेंटेड एज अ विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर एविल। और स्टेज थ्री में जब राम रावण को पराजित करते हैं तो राम का जो विक्ट्री है इसको देखा जाता है कि एविल के ऊपर धर्म का जो विक्ट्री है इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। और उन्होंने और भी कहा है कि डिवाइन कैरेक्टर ऑफ रामा हिज एसोसिएशन विद विष्णु एंड हिज डिस्क्रिप्शन एज एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु आर रेगुलर फीचर ऑफ स्टेज फोर एंड स्टेज फाइव। और जो राम को भगवान के रूप में पूजना और उनका जो विष्णु के, भगवान विष्णु के साथ उनका जो एसोसिएशन और उनको भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में कहना, ये सब जो थे ये रेगुलर जो फीचर्स थे ये स्टेज फोर और स्टेज फाइव में रेगुलर थे, ये ज़्यादातर दिखाई देते हैं ये सब फीचर्स।
डिवाइन क्या हो, ये हम लोगों ने बात कर लिया है। और जो ब्रुकिंगटन है ये कहते हैं कि ये जो एपिक था ये पहले हीरोइज्म से स्टार्ट होता है लेकिन लास्ट में जाके एक हीरोइक एपिक एक रिलीजियस एपिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये ब्रुकिंगटन का कहना है। शेल्डन पोलक ये मानते हैं कि रामायण जो था ये राम जो एक भगवान है इसी रूप में इनको, मतलब शुरू से ही इसी आइडिया के ऊपर बेस करके इसको प्रेजेंट किया गया है। तो शेल्डन पोलक का कहना है कि द रामायण वॉज परवेडेड बाय द आइडिया ऑफ रामस डिविनिटी फ्रॉम द वेरी आउट्स, मतलब पहले से ही राम को भगवान के रूप में ही देखा गया है, ये शेल्डन पोलक का कहना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज्वाइन ज़रूर कीजिए।